प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चूंटणी मतदान थई रह्यु छे। मध्य प्रदेश में 230 बैठक पर 2533 उम्मीदवार मैदाने उतर्या छे, तो एमपी में 64626 मतदान बूथ पर 5.60 करोड़ मतदार छे। बुधनी थी सीएम शिवराज सिंह चौहान चूंटणी मैदाने उतर्या छे, तो छिंदवाड़ा थी पूर्व सीएम कमलनाथ चूंटणी लड़ी रहा छे। दिमनी थी केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उम्मीदवारी नोंधावी छे, त्यारे नरेन्द्रपुर थी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चूंटणी मैदाने छे। इंदौर एक बैठक पर थी कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार छे, तो आ साथे छत्तीसगढ़ नी 70 बैठक पर 958 उम्मीदवार मैदाने उतर्या छे। छत्तीसगढ़ में 1.63 करोड़ मतदारों मतदान करी रहा छे, तो 70 बैठक माटे 18833 मतदान केंद्र बनावाया छे। अनेक दिग्गजों नु भावि ईवीएम में सील थशे, तो पाटण बैठक थी सीएम भूपेश बघेल चूंटणी लड़ी रहा छे। अंबिकापुर थी टीएस सिंह देव चूंटणी मैदान में उतर्या छे। लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा है, मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूं कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार प्रदेश की सेवा की है, मुझे उम्मीद है कि लोग घर से निकलकर वोट डालना प्रारंभ कर दिया, लंबी लंबी लाइनें भी लगना चालू हो गई है और हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में। जैसे पहले हमने विकास किया वैसे हम विकास करेंगे। हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे जिससे विधानसभा में पहुंचकर उनकी लड़ाई लड़ सकूं। 18 साल की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार से जनता त्रस्त है और इसीलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट हो रहा है, सरकार को हटाने के लिए वोट हो रहा है। और अब 114 सीट नहीं आएंगी, मत तो पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिए थे, कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, पर उन्होंने खरीद फरोख करके सरकार गिरा दी। अब 114 नहीं 174 ज़्यादा सीट आई जिससे कोई खरीद फरोख न कर पाए।